Good morning to everyone, and today we are going to start the set level, level number 2, set level. जी हाँ, हमने गेट की क्लासेस सफलतापूर्वक सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली हैं और अब हम बढ़ रहे हैं हमारा सेकेंड लेवल. आज सेकेंड लेवल का बेसिक लेक्चर जो है वो आज है लेक्चर नंबर 1. इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, इसमें आपको हम बेसिक बताएंगे. तो देखिए आज हम क्या सीखेंगे. वेलकम टू सेट. सेट में आप सभी का स्वागत करता हूँ. ये जो दूसरा भाग है इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं. दूसरा भाग है सेट. आप अंग्रेज़ी का शुरुआती ज्ञान अर्जित कर चुके हैं, यानी कि हमने गेट में टेंसेस वगैरह, प्रोनाउन, रोल ऑफ नानी ने, रोल ऑफ गेट, WH फैमिली, ये शुरुआती ज्ञान जो है वो अर्जित कर चुके हैं, यानी रिसीव कर चुके हैं या प्राप्त कर चुके हैं. लिख पढ़ भी लेते हैं, परंतु अभी यात्रा में, कार्यालयों में, यानी कि जर्नी में, कार्यालयों में यानी कि ऑफिस में, सार्वजनिक स्थलों पर यानी कि पब्लिक प्लेस पर धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बातचीत यानी कि फ्लुएंट इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में झिझक महसूस होती है. अभी आपको इनिशियल लेवल पे जो कैट लेवल था उसमें आपने ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन अभी ऑफिस में या पब्लिक प्लेस पे या जर्नी में फ्लुएंट इंग्लिश कॉन्वर्सेशन या फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग में अभी क्या झिझक यानी कि हेजिटेशन फील होती है, यानी कि महसूस होती है ना. हिंदी में सोचकर अंग्रेज़ी अनुवाद करते हैं. हम क्या करते हैं, हिंदी में सोचकर अंग्रेज़ी अनुवाद करते हैं. पहले हमने जो भी प्रैक्टिस की इंग्लिश का सेंटेंस है, फिर उसके बाद हिंदी बनाना आपको बताया था कि ना. आप क्या करते हो, हिंदी में सोचकर अंग्रेज़ी अनुवाद करते हैं और संभल संभल कर बोलना पड़ता है. आपके लिए सेट प्रस्तुत है. आत्मविश्वास पूर्वक अपने आप को अंग्रेजी में अभिव्यक्त करने की कला, यानी कि द आर्ट ऑफ एक्सप्रेस योर सेल्फ इन इंग्लिश, यानी कि अभिव्यक्त करने की कला, यानी कि आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग, वो भी इन इंग्लिश अंग्रेज़ी में, इतनी सहज लगेगी, यानी कि इतनी सहज का मतलब होता है सिंपल या सरल, इतनी सरल लगेगी, इतनी सिंपल लगेगी, अब तक क्यों नहीं मिल पाई यह सहायता, ऐसा सोचेंगे. आप जब सेट पढ़ेंगे तो आप ये सोचेंगे कि मुझे आज दिन तक ऐसी सहायता क्यों नहीं मिली, यानी कि बहुत ही कमाल का पैकेज है सेट वाला. गेट एक अपने आप में कोर्स है, सेट इसका मीडिएटर कोर्स है और गो इसका एडवांस कोर्स है. तो चलिए इसमें क्या लिखा है, कुछ मोटिवेशनल थॉट हम पढ़ लेते हैं. यू आर नेवर टू यंग टू स्टार्ट टीचिंग. देखिए बहुत ही बढ़िया बात है, यू आर नेवर टू यंग टू स्टार्ट टीचिंग. आप बहुत ज़्यादा यंग नहीं है, छोटे नहीं है टीचिंग स्टार्ट करने के लिए. मैं मेरी बात बताता हूँ, मैंने एट द एज ऑफ 16 टीचिंग स्टार्ट की. तब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे से डबल ट्रिपल एज के आते थे, वो पूछते थे सर आप हमें पढ़ाएंगे. मैं कहता था जी हाँ, मैं ही आपको पढ़ाऊँगा. तो मैंने एक ही चीज़ वहाँ से सीखी थी, मेरे बॉस से मैंने सीखा था, यू आर नेवर टू यंग टू स्टार्ट टीचिंग. आप कभी भी छोटे नहीं है टीचिंग स्टार्ट करने के लिए, सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है. और नेवर टू ओल्ड टू स्टॉप लर्निंग, और सीखने में कोई उम्र खत्म नहीं होती है, यानी कि जब आजीवन आप सीख सकते हैं, जब तक आप ओल्ड नहीं हो जाते, ओल्ड हैं तो भी आप सीख सकते हैं. इनकी टीचिंग में आप टीचिंग के पढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती, और सीखने की
एक तो पढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती है, शॉर्ट में अगर इसको कहें तो ये अर्थ इसमें निकल रहा है। इफ वंस आईज आर ओपन, यदि किसी इंसान की आंखें खुली हुई हैं, देन दिस होल लाइफ इज ए स्कूल। अगर आपकी आंखें खुली हुई तो ये पूरा जो लाइफ है ये आपका स्कूल है। पर्टिकुलर 10th तक या 12th तक आपका स्कूल नहीं है, अगर आप आंखें खुली रखोगे तो पूरी लाइफ आपके लिए स्कूल है। एंड द वन हु इज हंग्री टू लर्न, और कोई इंसान जो सीखने के लिए भूखा है यानी कि हंग्री है, लर्न्स फ्रॉम एवरी पर्सन एंड फ्रॉम एवरी सिचुएशन। जो इंसान सीखने के लिए भूखा है वो हर एक व्यक्ति से सीख सकता है, और सीखता ही है वो, हर एक व्यक्ति से सीखता है, हर एक सिचुएशन से सीखता है। रिमेंबर, याद रखिए, वन हु डज नॉट लर्न इन दिस वे, याद रखना, अगर कोई इंसान इस तरह से नहीं सीख पाता है, लर्न्स नथिंग इन लाइफ, तो वो जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाता है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर किसी इंसान की आंखें खुली है तो ये पूरा जीवन उसके लिए स्कूल है, और कोई इंसान जो सीखने की भूख रखता है वो हर एक इंसान से सीखता है, हर एक सिचुएशन से सीखता है, और कोई इंसान अगर इस तरह से नहीं सीख पाता है तो वो जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाता है। ये यहाँ पे इन लाइनों का मतलब है। फिर बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है पेंसिल वाला, जो मैं मेरी लाइव सेमिनार में भी देता हूँ। और जैसा कि अपने को लाइफ में 3 तरह के लोग मिलते हैं, यू नीड टू डू सम सेल्फ लर्निंग टू कैच अप। आपको क्या करना है, अगर कोई नॉलेज कैच अप करना है तो आपको सेल्फ लर्निंग, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ सेल्फ लर्निंग आपको करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ आपको बहुत सारे लेक्चर आपको बताए हैं, लेकिन आप जब तक सेल्फ लर्निंग या सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके माइंड के अंदर, आपकी लाइफ में वह कॉन्फिडेंस कैचअप नहीं होगा, वो नॉलेज आप कैचअप नहीं कर सकते। तो यही कहा है, यू नीड टू डू सम सेल्फ लर्निंग टू कैचअप एट वर्क। यू आर गारंटीड टू मीट 3 टाइप्स ऑफ पीपल। आप जब भी काम करते हैं एट वर्क, यानी काम पर आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। पहली बात तो इसमें यह बताइए कि आपको सेल्फ लर्निंग करनी है, कुछ भी कैचअप आपको करना है तो यू नीड टू डू सम सेल्फ लर्निंग टू कैचअप। ओके, एक बात इसमें बताइए कि सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अगर किसी की आंखें खुली हुई है तो ये पूरा जीवन उसके लिए स्कूल है, और अगर कोई भूख रखता है सीखने की तो वो हर इंसान से सीख सकता है, हर परिस्थिति से सीख सकता है, और अगर कोई इस तरह से नहीं सीख सकता तो वो जीवन में कुछ भी नहीं सीख सकता है। तो अगर आपको ये सारा नॉलेज कैचअप करना है तो कुछ सेल्फ लर्निंग यानी सेल्फ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब आप जब भी काम करते हैं एट वर्क, यू आर गारंटीड टू मीट 3 टाइप ऑफ पीपल। जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। डू यू नो दैट क्या आपको पता है 3 टाइप्स ऑफ पीपल, क्या आपको 3 तरह के लोग पता है? वो 3 तरह के लोग आपको कौन कौन से मिलेंगे वो मैं आपको चलिए आज बता देता हूँ। नंबर 1 इज, इमेजिन दैट यू आर एट वर्क। आप ये इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप काम पे हैं एंड यू वॉन्ट टू डू समथिंग सिंपल लाइक गेटिंग ए पेंसिल। अगर आपको कुछ भी सिंपल करना है, जैसे आपको कुछ पेंसिल चाहिए,
यू वॉन्ट टू डू समथिंग सिंपल, अगर आपको कुछ करना है लाइक गेटिंग ए पेंसिल, मान लो आपको पेंसिल चाहिए, तो यू वॉन्ट अ पेंसिल, आपको क्या पेंसिल की ज़रूरत है ना, आप पेंसिल चाहते हैं, यू वॉन्ट अ पेंसिल. सो यू गो अराउंड आस्किंग फॉर अ पेंसिल. एक इंसान है, वो आपको पेंसिल चाहिए वर्क के ऊपर, और आप उसके पास जाइए और उससे पूछिए कि भाई साहब मुझे आपकी पेंसिल दे दीजिए. द फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सन विल से, यानी कि जो पहली तरह का जो इंसान है वो कहेगा आई डोंट हैव अ पेंसिल, मेरे पास पेंसिल नहीं है. इवन विदाउट लुकिंग फॉर अ पेंसिल, यानी कि वो बैग में देखेगा भी नहीं और कह देगा आपको कि मेरे पास पेंसिल नहीं है. समझ में आ रही बात? यानी कि वो पहले ही इग्नोर कर देगा आपको. तो एक तो इस तरह का इंसान होता है, ओके. फिर दूसरा, द सेकेंड ग्रुप, दूसरे लोगों का इस तरह का ग्रुप होता है. द सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन, इनफैक्ट व्हाट दे विल डू इज, वो क्या करते हैं, देखिए सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन, सेकेंड टाइप का पर्सन क्या करता है, दे विल गिव यू एनी पेंसिल, वो आपको कोई भी पेंसिल दे देंगे, एंड यू लुक एट इट, और आप जब उस पेंसिल को देखेंगे द टिप इज़ ब्रोकन, उस पेंसिल की जो टिप है, जो नोक है, वो टूटी हुई है, इट डजेंट राइट, वो लिख नहीं सकती है, या वो लिखती नहीं है. तो वो जब पेंसिल की नोक टूटी हुई होगी, टिप जो है वो टूटी होगी, तो आप लिख नहीं सकते हैं. तो आप जब भी वर्क प्लेस पे हैं तो आपको तीन तरह के लोग मिलेंगे. पहला तो वो है कि जब आप किसी से पेंसिल मांगेंगे तो वो उसके पास देखेगा भी नहीं और आपको कह देगा कि मेरे पास पेंसिल नहीं है. दूसरे तरह का जो इंसान होते हैं वो, ठीक है, आपको क्या करेगा, इनफैक्ट वास्तव में क्या करेगा, वो आपको पेंसिल देगा, वो कोई भी पेंसिल दे देगा, और जब आप उस पेंसिल को देखेंगे तो उसकी टिप जो है वो टूटी हुई रहेगी, यानी कि वह जो पेंसिल वो लिखती नहीं है या लिख नहीं सकती है, ओके. एंड वॉट अबाउट द नेक्स्ट, द थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल, तीसरे तरह के जो लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है, द थर्ड ग्रुप विल टेक अ पेंसिल, जो तीसरे लोगों, तीसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो पहले पेंसिल को लेंगे, शार्पन इट, उसको पहले तीखा करेंगे, एंड टेक ए पीस ऑफ पेपर, और एक कागज का टुकड़ा लेंगे, राइट इट टू इंश्योर दैट द पेंसिल वर्क्स एंड गिव इट टू यू, और वो पेंसिल कागज के टुकड़े पर उस पेंसिल से लिख के देखेंगे और श्योर होंगे, इंश्योर यानी कि पक्का करेंगे कि पेंसिल चलती है या पेंसिल काम करती है या नहीं करती है. जब काम करती है देन गिव इट टू यू, तो वो पेंसिल आपको देंगे. तो तीन तरह के लोग होते हैं. जैसे मान लो आप किसी से पेंसिल मांगते हैं, तो एक तरह का, पहले तरह का इंसान तो क्या कहेगा, वो बिना देखे कह देगा मेरे पास पेंसिल नहीं है, और दूसरे तरह का कोई भी पेंसिल दे देगा लेकिन वो पेंसिल देखेगा नहीं है कि वो पेंसिल काम भी करती है कि नहीं करती है. और जो तीसरे तरह का जो इंसान है वो पेंसिल लेगा, पेंसिल को देखेगा, अगर उसको शार्प नहीं है तो शार्पनर से शार्प करेगा, और फिर श्योर होगा, कागज़ के टुकड़े पर लिख के देखेगा पेंसिल चल रही है कि नहीं चल रही, उसने मुझसे पेंसिल मांगी है तो मैं, वो वर्क होगा कि नहीं होगा, पेंसिल वर्क करेगी तो वो आपको देगा. तो ये तीन तरह के इंसान होते हैं. आई रिकमेंड दैट यू स्ट्राइव टू बी लाइक द थर्ड पर्सन. मैं ये चाहता हूँ कि आप तीसरे तरह के इंसान बने, यानी कि कोई भी आपसे अगर मदद मांगे तो पहले आप श्योर हो जाए, आप खुद पक्के हो जाए कि वो मदद उसकी लाइफ में काम आएगी या नहीं आएगी. जैसे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं, तो मैं आपको जब यहाँ पे सिखा रहा हूँ तो मैं पहले खुद श्योर होता हूँ कि वो नॉलेज आपके काम आता है, तभी उसको मैं बुक में डालता हूँ. यानी कि हज़ारों किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं लेकिन वो कोई काम की नहीं है. तो यहाँ पे पहले मेरे काम की वो बुक है या नहीं है, फिर मैं आपके काम की वो बुक बनाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं बना. तो मैं भी ये चाहता हूँ, मैं भी तीसरे तरह के इंसान को फॉलो करता हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ. आई रिकमेंड दैट यू स्ट्राइव टू बी लाइक द थर्ड पर्सन, वेदर यू आर एट स्टडिंग, टीचिंग,
रिसर्चिंग, वर्किंग और रनिंग अ बिजनेस। यानी कि आप चाहे कुछ भी करें, आप चाहे स्टडिंग करें यानी कि पढ़ाई करें, टीचिंग करें, लोगों को सिखाएं, या रिसर्चिंग करें, कोई रिसर्च वर्क करें, या वर्किंग कोई काम करें, या फिर रनिंग अ बिजनेस कोई अपना बिजनेस चलाएं, तो आप हमेशा थर्ड टाइप के जो पर्सन बनिए। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, आप इसको लाइफ टाइम उतार सकते हैं, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं इससे। सो जो ये एक्सीलेंस है, एक्सीलेंस मतलब बुद्धि, समझने की क्षमता जो होती है वो एक्सीलेंस कहलाती है। तो एक्सीलेंस शुड बी अ वर्ड पीपल यूज टू डिस्क्राइब यू। आपको कोई भी लोग डिस्क्राइब करे, आपके बारे में कोई भी बताए, तो वो आपके यहाँ एक एक्सीलेंस वर्ड जुड़ना चाहिए। इंटेलिजेंट है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, दिमागदार है, इस तरह की आपकी एक पहचान बननी चाहिए। ओके, वॉट एवर यू डू, आप कुछ भी करें, वॉट एवर यू डू, आप कुछ भी करें, पीपल शुड से, लोग ये कहना चाहिए कि इफ़ यू गिव इट टू दिस गाय, अगर आप ये काम इस इंसान को देंगे और गर्ल ये इस लड़के को देंगे या इस लड़की को ये काम देंगे आप करने के लिए, द रिजल्ट्स आर गारंटीड। तो रिजल्ट 100% आएगा, 101% आएगा। तो आपको इस तरह का इंसान बनना है। एक्सीलेंस आपकी पहचान होनी चाहिए। और आप कैसे होना चाहिए, यू आर रिलायबल, आप विश्वसनीय हैं, जिस पे लोग भरोसा कर सकते हैं वो रिलायबल होता है। दैट्स व्हाट बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रूली मीन्स, यही प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है, यही सच्चे पेशेवर इंसान का जो इमाम होता है। सो मेक अ कमिटमेंट to excellence and lifelong learning। तो lifelong learning के लिए आपको क्या करना है, commitment करना है। so make a commitment यानी कि वचनबद्धता आपको निभानी है, excellence श्रेष्ठता आपको साबित करनी है lifelong learning के लिए, आजीवन सीखने के लिए आपको इस तरह का follow करना है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बात आई, देखिए कि आज के दौर में हर स्टूडेंट का एक सवाल है, सर हाउ कैन आई इम्प्रूव माई स्पोकन इंग्लिश वेल, सर मैं अपनी अंग्रेज़ी में बोलने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो और मेरा जवाब है ये, अगर आपका सवाल भी यही है तो इन टिप्स को अपने जीवन में उतार लीजिए और आज इन टिप्स को लर्न कर लीजिए। सो इम्प्रूव एंड इनकलकेट योर स्पोकन इंग्लिश बाय दिस स्टडी टिप्स ऑफ एडवाइट स्कूल ऑफ लर्निंग। तो देखो क्या टिप्स है ये। नंबर वन, डोंट बी शाय, मेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इंग्लिश। अब इसका मतलब क्या है, डोंट बी शाय यानी कि शर्माइए मत, मेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इंग्लिश और अंग्रेजी फरमाइए, कहने का मतलब ये शर्माइए मत और अंग्रेजी फरमाइए। तो आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, शर्म नहीं करनी है, जब भी आप इंग्लिश बोलें तो बिल्कुल शाय नहीं होना है। और कोई भी मौका अगर आपको मिलता है तो उसको छोड़ना नहीं, छोटा से छोटा मौका मिलता है इंग्लिश बोलने का तो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश बोलनी ही बोलनी है। ओके, फिर दूसरा है लर्न फ्रेजेस नॉट सिंगल वर्ड्स। बहुत ही बढ़िया, आप देखेंगे कि ये जो पूरी बुक मैंने बनाई है तो ये पूरी फ्रेजेस के ऊपर है, यानी कि वाक्यांश के ऊपर, वाक्य सेंटेंस के ऊपर है। इस लाइन का मतलब ये है कि लर्न फ्रेजेस नॉट सिंगल वर्ड्स, कहने का मतलब ये है कि आपको फ्रेजेस लर्न करने, पूरा पूरा सेंटेंस लर्न करना है, नॉट सिंगल वर्ड्स, एक एक शब्द याद नहीं करना है, पूरा सेंटेंस लर्न करना है। क्योंकि पूरे सेंटेंस में आपकी ग्रामर भी आ जाती है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है या मुझे तैरना पसंद है, तो ये मान लीजिए कि अगर आपको ये बोलना है कि मुझे तैरना पसंद है, अब तैरने को क्या कहते हैं, स्विम कहते हैं, पसंद है को क्या कहते हैं, लाइक, और मुझे को क्या कहते हैं, आई। तो आपको पता है मुझे को कहते हैं आई सब्जेक्ट के रूप में, फिर पसंद करने को कहते हैं लाइक, और तैरने को हम क्या कहते हैं, स्विम। तो आपको तीन वर्ड अलग अलग याद करने पड़ेंगे, आई
लाइक स्विम, लेकिन फिर भी सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं है। तो इसकी बजाय आप पूरा सेंटेंस ही लर्न कर लीजिए, आई लाइक स्विमिंग। तो वहाँ पे आपको पता है कि दो वर्ब एक साथ आती है तो स्विम में वापस आईएनजी जोड़ना है। तो पूरा अगर आपने सेंटेंस यानी कि पूरा फ्रेजेस, पूरा सेंटेंस मतलब पूरा फ्रेज आपने लर्न किया है, फ्रेजेस का मतलब क्या था, वाक्यांश, पूरा सेंटेंस, लर्न फ्रेजेस नॉट सिंगल वर्ड, एक एक शब्द आपको याद नहीं करना, पूरा पूरा वाक्य आपको याद करना है, पूरा पूरा सेंटेंस आपको लर्न करना है, ओके। तो उसमें ग्रामर भी आ जाती है, जैसे आई लाइक स्विम तो ये गलत हो जाए, आई लाइक स्विमिंग ये लर्न किया तो पूरा फ्रेजेस भी कंप्लीट हो गया, पूरा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया और ग्रामर भी आ गई इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, लर्न विथ योर ईयर्स मोर देन योर आइज, बहुत ही बढ़िया बात है, लर्न विथ योर ईयर्स मोर देन योर आइज। तो कहने का मतलब आप कानों से ज़्यादा सुनिए, आँखों से देखने की बजाय कानों से ज़्यादा सुनिए, यानी कि आप इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। तो जितनी आप इंग्लिश सुनेंगे तो आप फिर वो प्रोनंसिएशन कैप्चर कर पाएंगे, वो क्या बोल रहे हैं वो आप कैप्चर कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉन्ग अच्छे लगते हो तो आप इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, किसी की स्पीच सुनिए। तो आपको लर्न विथ योर ईयर्स यानी कि कानों से इंग्लिश ज़्यादा सुननी है, मोर देन योर आइज, जब आंखों से देखते हैं उससे ज़्यादा कानों से सुननी है, चाहे आप आंखें बंद करके केवल सुनिए, ओके। सुनना ज़्यादा है, देखना कम है, इंग्लिश को देखना कम है, सुनना ज़्यादा है, समझ में आ गया आपको। रिपीट रिपीट एंड रिपीट, बार बार सिंपल सिंपल चीज़ों को रिपीट कीजिए, हमें ज़्यादा भी स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल वे में सिंपल सिंपल चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। रिपीट रिपीट एंड रिपीट, बार बार रिपीटेशन कीजिए, बार बार टंग प्रैक्टिस कीजिए, हर एक टेंस की टंग प्रैक्टिस कीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, बिना रिपीटेशन आप सक्सेस नहीं हो सकते। सपोज़ कीजिए कोई भी अपने परमानेंट मेमोरी में फिट करनी है कोई भी सेंटेंस कोई भी चीज़, तो वो जब तक आप बार बार रिपीटेशन नहीं डालोगे तो परमानेंटली आपके सेव नहीं होगा। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और कोई वेटर आपको सर्व कर रहा होता है, आप जब घर आएंगे तो उसको 7 दिन तक ठीक से याद रख पाते, 7 दिन के बाद आप उसी रेस्टोरेंट में जाइए और वही वेटर आपको सर्व करता है तो आप उसको जल्दी से पहचान लेंगे। तो आपकी वो जो मेमोरी पावर होगी रिपीटेशन से, आपने 7 दिन वापस रिपीट कर लिया उस रेस्टोरेंट में जाना, तो आपकी मेमोरी क्या हो गई, बढ़ गई 15 दिन तक। 15 दिन में आप वापस उसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वही वेटर आपको सर्व करता है तो आप उसको नाम से बुला सकते हैं, ओके। फिर 1 मंथ में आप वापस गए उसी रेस्टोरेंट में, वही वेटर आपको सर्व कर रहा है तो चौथा रिपीटेशन हुआ, तो चौथे रिपीटेशन में आप उसको 6 महीने तक लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। और फिर 6 महीने में आपने फिर उसी रेस्टोरेंट राउंड किया तो वो और वही वेटर आपको सर्व कर करता है तो आप उसको नेम से बाय फेस से उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट कर सकते हैं। तो वाकई जो चौथा रिपीटेशन है, चौथे से पाँचवें रिपीटेशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में परमानेंटली सेव हो जाती है, उसको हम कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए तो हम रिश्तेदारों के नाम नहीं भूलते हैं, रिश्तेदारों को नहीं भूलते हैं, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन होता रहता है, कभी 1 मंथ में, कभी 2 मंथ में, कभी 1 ईयर में, बार बार वो हमारी आंखों के सामने रिपीट होते रहते, इसलिए हम उनको नहीं भूल पाते। तो रिपीटेशन किसी भी इंग्लिश या लैंग्वेज या किसी भी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो रिपीटेशन नहीं करेंगे आप तो आप परमानेंटली वो चीज़ लर्न नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे हो गया आगे आगे पाठ पीछे पीछे सब पाठ, तो ऐसे नहीं करना है आपको। अगला है स्पीक टू योर सेल्फ प्रैक्टिस योर इंग्लिश अलाउड, यानी जो 5th नंबर वाला है ये आप देखिए, स्पीक टू योर सेल्फ प्रैक्टिस योर इंग्लिश अलाउड, आप जोर जोर से बोलिए। मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि जब आप मन में इंग्लिश बोलेंगे तो मेरा श्राप है, आप कभी भी अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। तो ध्यान रखना, मैं 15 साल से श्राप देता आ रहा हूँ, तो जब तक आप नहीं बोलोगे, जब तक अलाउड प्रैक्टिस नहीं करोगे, ज़ोर से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको इंग्लिश कतई नहीं आएगी, लिखवा के ले लो मेरे से। तो टंग को तो चलाना ही है, बोलना ही है, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है, ये हमारा गुरु मंत्र भी है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ओके।
चलिए अब आगे चलते हैं। प्रैक्टिस योर इंग्लिश लिटिल ऑफन, थोड़े थोड़े समय के अंतराल में आप प्रैक्टिस अक्सर करते जाएं। ऐसा नहीं कि आज प्रैक्टिस कर ली फिर दो महीने बाद कर रहे हैं, फिर चार महीने बाद कर रहे हैं, एक साल बाद कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा। याद रखिए, अगर आपने मेहनत आधी की है तो रिजल्ट भी आधा ही आएगा, इम्प्रूवमेंट भी आधा ही होगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप आधा इम्प्रूवमेंट लेके और लाइफ में आगे बढ़े, पूरा इम्प्रूवमेंट रखोगे रिजल्ट पूरा निकल के आएगा। चलिए सेवन नंबर का जो पॉइंट है उसको हम पढ़ लेते हैं। सेवन नंबर का पॉइंट है स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली। क्या कहा है? स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली, आज से, बल्कि अभी से अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दीजिए। गलतियां होने दीजिए, परवाह मत कीजिए। गलती कौन नहीं करता, और बिना गलती किए कौन सीख पाया है? तो गलती तो आपको करनी है, लेकिन गलती को रिपीटेड नहीं करनी, कुछ नई गलती करनी है ताकि कुछ नया सीखने को मिले। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रीड एटलीस्ट वन पेज एवरी डे। एट्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है रीड एटलीस्ट वन पेज एवरी डे। अच्छा हो आप अंग्रेजी भाषा का कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन घर पर मंगाना शुरू कर दें। रोज़ की घटनाओं को इंग्लिश में कहने का अंदाज सीखने में यह हेल्पफुल होगा, सहायक होगा। प्रतिदिन यानी कि रोज़ एक पेज अंग्रेजी बोलकर पढ़ने का, प्रैक्टिस करने का व्रत ले लें। यानी कि प्रतिदिन एक पेज अंग्रेजी बोलकर पढ़ने का, अभ्यास करने का व्रत ले लें कि मेरे को ये करना ही है, फिर दोहरा दूँ, गलतियों की परवाह ना करें, गलतियों की परवाह ना करें, क्योंकि गलती कौन नहीं करता, और बिना गलती किए कौन सीख पाया है। अगला है आपका जो नाइन नंबर का जो पॉइंट है वो है चैरिटी बिगेंस एट होम। या आपने सुना भी होगा चैरिटी बिगेंस एट होम, अच्छाई घर से शुरू होती है। आप कोई भी काम अच्छा करें तो पहले घर से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, ना कि पड़ोसी के घर से। चैरिटी बिगेंस एट होम यानी कि अच्छाई घर से शुरू होती है। अंग्रेजी में बातचीत आपके अभ्यास पर निर्भर करती है, यानी कि आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, और अभ्यास का सबसे अच्छा अवसर अपने परिवार में ही पैदा करना चाहिए। यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश पूरी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, तो ये अपने घर से शुरुआत करो। चैरिटी बिगिंस एट होम यानी अच्छा अवसर अपने घर में ही, परिवार में ही पैदा कीजिए। सभी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके एक साथ रहने का समय निकालो, कम से कम दो घंटे। सुबह शाम में जब भी आप एडजस्ट करते हैं तो कम से कम दो घंटे, तब आपकी बातचीत में अंग्रेज़ी कंपलसरी कर दीजिए, यानी अनिवार्य कर दो। घर पे जब भी आप दो घंटे रहो तो वहाँ पे सभी के लिए इंग्लिश कंपलसरी कर दो, कि कोई भी सिचुएशन आपको बोलनी तो इसको इंग्लिश में ही बोलना है, यानी इंग्लिश के अलावा बोलना ही नहीं है। इसमें चूक होने पर कोई मनोरंजक जुर्माना यानी कि पेनल्टी रखें। जैसे इसमें कोई बोलने में कोई हिंदी बोल जाए तो इसमें पेनल्टी रख दीजिए आप। देखिए कितना इंटरेस्टिंग होगा सीखना, कितना आनंददायक होगा सीखना, तो ये आपको करिए। तो चैरिटी बिगेंस एट होम, घर से ही आपको शुरुआत करनी है। अगला है आपका न्यूज़ और एनी सीरियल ऑन टेलीविजन इन इंग्लिश ओनली। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना टीवी देखे तो शायद ही किसी का दिन पूरा होता होगा। 15 से 30 मिनट यानी 15 to 30 मिनट्स का एक प्रोग्राम चुने, एक सेलेक्ट कीजिए, प्रोग्राम चूज़ कीजिए। न्यूज़ हो सकती है, कोई सीरियल हो सकता है, कार्टून शो या फिल्म, केवल इंग्लिश में ही आपको देखनी है। चिंता छोड़िए, पहले ही दिन सब कुछ समझ में नहीं आता, धीरे धीरे आने लगेगा। आप रोज़ देखिए, कभी न कभी तो आपको डेफिनेटली समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर अगला है आपका थिंक इन इंग्लिश इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश यानी कि अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो अंग्रेजी में सोचना शुरू करना पड़ेगा। अंग्रेजी में ही सोचना है, अंग्रेजी बोलना है तो अंग्रेजी में सोचना है। बोलने में अनुवाद का सहारा ना लें, पूरे पूरे वाक्य बोलें, एक एक शब्द का अर्थ ना सोचें, पहले मन में हिंदी में सोचकर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें।
हाँ, हमने ट्रांसलेशन मेथड से आपको प्रैक्टिस जरूर बताई थी, वो इंग्लिश टू हिंदी बताई थी, हिंदी से इंग्लिश नहीं बताई थी, ये बात आप ध्यान रखें। फिर लास्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, 12 नंबर वाला, बी इन द कंपनी ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। इसका मतलब है ऐसे लोगों के साथ रहें जो इंग्लिश में बातचीत करते हैं, यानी कि उन लोगों के साथ रहें जिनकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करने की मजबूरी हो। ऐसे लोग अहिंदी भाषी, सहकर्मी या अन्य व्यक्ति हो सकते हैं। व्यवसाय यानी कि बिजनेस में केवल इंग्लिश का यूज़ करने वाले लोग हो सकते हैं, उनसे आप फ्रेंडशिप कीजिए, मित्रता कीजिए, उनके साथ रहिए, उनके अधिकाधिक उनसे आपको अधिक से अधिक बातचीत करना है। ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। तो यही है आज के लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर आपका है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।